वाहे गुरु 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 ऊंचे अपार बेअंत स्वांग कौन जाने गावते उधरे सुनते उधरे बिन से पाप घनेर पशु परेत मुगज को तारे पाहन पारे उतारे नानक दास तेरी शरणा सदा सदा बलिहार बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वा जे सौ चंदा युग वे सूरज चढ़े हजार एते चानन हो दिया गुर बिन कोरी अंदार गुर बिन कोरी
हम थारे भिखारी जियो, मैं क्या मांगो किछ थिर न रहाई, हर दीचे नाम प्यारी जियो, हर दीजे नाम प्यारी जियो। वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हाँ क्या आसा लाहे किरम जंत, बड़ी तेरी वड्याई, बड़ी तेरी वड्याई, बड़ी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है, आप ले है मिलाई, बिन बेली को नहीं, मैं तुझ बिन बेली को नहीं, तू अंत सखाई, किरम जंत हो क्या सलाही, किरम जंत बटी तेरी वड्याई, बटी तेरी वड्याई। जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई, तिन लह
छड़ाई वड़ी तेरी वड़ियाई वड़ी तेरी वड़ियाई हाँ क्या सलाही किरम जंत हाँ क्या सलाही किरम जंत वड़ी तेरी वड़ियाई वड़ी तेरी वड़ियाई वड़ी तेरी ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏ ਪੜਤੇ ਆ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵਿਹਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾੜ ਲਡਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਇਰ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਯਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
झूठिया चीजा के मगर लग के बाहर भजदे हैं, उन्हों का मन बाहर भजदा है, उन्हों का मन कुड़ियारी चीज झूठिया चीजा के जुड़िया है। कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले सचियार सिख बैठे सतगुर पास। सच नू प्यार करन वाले, सच्ची गुरबाणी नू प्यार करन वाले, सच्चे गुरां नू प्यार करन वाले, सच्चे परमेश्वर नू प्यार करन वाले ते सच्ची संगत जिन्हों आपां सतसंगत कहने हाँ, वह गुरचरणा च बैठ करके जितना भी समा उन्हां नू मिलदा है, भावें कोई प्यार दे नाल बैठदा, भावें कोई बद्धा चिट्टी बैठदा, बदो बदी बैठदा, जे कोई बैठ जावे ना तो महाराज जी कहिंदे बैठण वाले नू भी सत्कार उन्ना ही मिलदा है, तो बैठण वाले नू सतगुरु जी अपने घरों बहुत खुशियां दिंदे हन। आम संगतां किते तुसी देख लो रश बहुत हुंदा है, बसां बस अड्डियां ते रेलवे स्टेशनां ते एयरपोर्ट ते होस्पिटलां दे विच वड्डे वड्डे ऑफिसां मॉलां दे विच बहुत रश है, किसी नू प्यार दे नाल सत्कार दे नाल कोई किसी नू नहीं बुलांदा, अदों कि मिल जावे सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल, पर संगत विच दो बैठे होण, चार बैठे होण, पंजाह बैठे होण, सौ बैठे होण, भावें एक ही बैठा होवे, महाराज जी कहिंदे हन एक सिख दोए साध संगत पंजी परमेश्वर। उत्थे बैठण वाले नू संगत कहा जांदा, संगत नहीं साध संगत कहा जांदा, कल्ला साध संगत नहीं गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत कहा जांदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, जिन्ना सत्कार गुरु दा उन्ना सत्कार संगत दा, पर संगत जुड़ी होवे कीर्तन विच कथा विच गुरबाणी सुनने विच मगन होवे। सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखाणी है, संगत उस नू कहा जांदा है जिथे नाम दी गल कीती जावे, परमेश्वर दीयां सिफतां कीतियां जाण, गुरु दीयां वडेईयां नू विचारिया जावे, गुरसिखां दा जीवन वाचिया जावे, जिन्हां ने गुरु दीयां बख्शिशां लईयां उहनू सतसंगत कहा जांदा है। आओ समा मिलिया गुरु साहिब दे चरणां विच बैठण दा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश कीती हुई फतेह दी सांझ पाओ, एकाग्रता बख्शिश करो, गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग सन्मानयोग सेवक परिवार सरदार दर्शन सिंह, उन्हां दे भरा सरदार प्रगट सिंह, समूह सहोदा परिवार ते भंगू परिवार वल्लों रल मिल के जिन्हां दे बच्चे विदेशों च चल करके सारे परिवारां दे सहत अपने नगर अपनी धरती ते आए हन, अपने भैणां भरावां दे विच विचर करके सके संबंधियों के नाल मेल मिलाप करके गुरु साहब जी की दित्तियां हुई दातां दा शुकराना करदिया होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी श्री सुखमी साहब के जाप आरंभ कराए सन, भोग तो उपरंत आप जी रब्बी बाणी अलाही बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे हो। आपां अरदास जदों करदे आ ना, जिहड़ी अरदास सियाणियां ने गुरसिखां ने बनाई है, जिस वेले सारी समाप्ति होण लगती है उदों एक बचन कहा जांदा अरदास विच सावधान होने वास्ते, किहड़ा बचन कहा जांदा है, हे निमाणियां दे माण, नितानियां दे तान, न्योटियां दी ओट, न्यासरियां दे आसरे, निगत्तियां दी गत, निपत्तियां दी पत, नितरियां दी तिर, सच्चे पिता वाहिगुरु जी। इन्नियां गल्लां कहण तों बाद उस परिपूर्ण परमात्मा नूं परमेश्वर नूं पिता कहा जांदा है, कल्ला पिता नहीं सच्चे पिता। साढ़े सारे दे घरां विच जिन्हां दी कृपा दे नाल आपां बैठे हाँ वह साढ़े माता पिता हैं, माता पिता दे संजोग दे नाल साडा जन्म हुंदा है, माता पिता सानूं पालदे पोसदे हैं, माता पिता सानूं पढ़ांदे लिखांदे, सोहना कपड़ा लीड़ा सानूं दिंदे हैं, ये बहुत बड़ा उन्हां दा साढ़े ते उपकार है, इहनूं नहीं भुलाना चाहिए। पर सारयां दे घरां विच माँ है, सारयां दे घरां विच पिता है, फिर सच्चे पिता परमात्मा नूं किया किया जांदा है, सच्चे पिता परमात्मा नूं, क्योंकि सारयां नूं जन्म देण वाला उह है, सारे उहदी कृपा दे नाल उहदी बख्शिश दे नाल दातां प्राप्त करदे हन, सभनां नूं पालण वाला है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सभनी थाई, तां पौ केहा काढ़ा जीव। महाराज जी कहिंदे हन, हे निमाणियां दे माण, दुनिया के उपर भावें कोई अमीर है, भावें कोई अत्त दा कंगाल है, भावें कोई
लखा रुपए एक एक महीने का कमाता है, भावें कोई 10,000-20,000 कमाता एक महीने का, भावें वड्डी नौकरी वाला है भावें छोटी नौकरी वाला है, हरेक कोई पैसा लैके कम करता है, पर हरेक एक चीज चाहिए होंगी, वह है माण सत्कार इज्जत। हरेक कोई चाहता है कि मैं हरेक माण के नाल सत्कार के नाल इज्जत के नाल बनावे, मेरा नाम उच्चा हो। नमाणिया के माण, नताणिया के ताण, ताण का अर्थ होंगे शक्ति ताकत पावर। हरेक कोई अपनी ताकत इकट्ठी करता है, एक तो शरीर की ताकत, शरीर रुष्ट पुष्ट होना चाहिए, तकड़ा होना चाहिए। इस करके सियाने कहते हर रोज 5 किलो 10 किलो भार चुकते रहना चाहिए, वो एक्सरसाइज करनी चाहिए है। यह ना हो कि एकदम कि 50 किलो वजन चुकना पै गया तो धरन पै जाए या चुक पै जाए, शरीर में चलता फिरदा रखने ते एक्सरसाइज करो, ये भी ताकत है। दूजे पासे दिमाग की ताकत विद्या, स्टडी जरूरी है, हरेक ज्ञान जरूरी है, विद्या जरूर पढ़नी है, कोई भी अनपढ़ ना हो। दिमाग की शक्ति विद्या, शरीर की शक्ति ताकतवर शरीर, फिर मन की शक्ति कड़ी है वह गुरु की बख्शिश के नाल मिलती है, बाणी तो मिलती है, नाम तो मिलती है, ये ताकत ये शक्ति गुरु की बख्शिश के नाल मिलती है। सतगुरु कहते हैं वाहगुरु तू निमाणियां नूं माण देण वाला है, हर जियो निमाणियां तू माण, ने चीजियां चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत कौ कुरबान। तेरी जिहड़ी कुदरत है ना, तेरी जिहड़ी खेड है, ये तो कुरबान जाने हैं। जदों तू किसी नूं माण दिंदा ना, ना चीज बंदे नूं इतनी महान चीज बना दिंदा है, लोकी उहदे मगर मगर भजे फिरदे हन, की मिल जांदा उस नूं। हे निमाणियां दे माण, निताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओट, सारे नूं ओट देण वाला तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रख सभना नूं तेरी ही टेक है। टेक दा अर्थ ओट, तेरा आधारा दा अर्थ आसरा, तेरा ही आसरा सभना नूं जिस दे उपर तू अपना मेहर भरिया हथ रखदा है ना, उस दीआं सारीआं विपतावां सारीआं तकलीफां सारे दुख परेशानियां खत्म हो जांदीआं हन। जिस जन उपर तेरी कृपा, जिसको बिपना को पख है। हे निमाणियां दे माण, निताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओट, सच्चे पिता। सच्चे पिता क्यों कहा जाता है? माँ बाप सानूं बड़ा प्यार करते हैं, बलिहारे माँ बाप दे जिहड़े अपने बच्चों पालन वास्ते अपनी सारी जिंदगी कुरबान कर देंदे हैं। पर गुरु साहब जी कहिंदे, गुरु नानक देव महाराज पातशाह कहिंदे हन, भाई माँ बाप वह भी किसी के बच्चे हैं, जिहड़े साडे माँ बाप हैं वह भी किसी के बच्चे हैं, साडे दादा दादी पड़दादा पड़दादी अगों उत्तों उन्हां दे जिहड़े वड्डे वडेरे उन्हां नूं भी किसी ने पैदा किया ना। शुरू तो कित्थे तक आपां जावांगे सानूं नहीं पता, पर सारी सृष्टि का माँ बाप वो परमेशर, उहदा सुभाअ पता कैसा है? गुसाई मैंडा इठड़ा, इठड़ा दा अर्थ हुंदा इदां दा, किदां दा? गुसाई मालक, मेरा मालक पता किदां दा है? अम अबे थामो मिठड़ा, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अम दा अर्थ हुंदा अम्मा, अम्मा जिहनूं आपां कहिंदे मुसलमान धर्म वाले कहिंदे अम्मा, अम्मी जान, माँ नूं अम्मी कहिंदे हन ते पिता नूं अब्बा कहिंदे हन। अम अबे थामो मिठड़ा, थामो दा अर्थ हुंदा तों भी, माँ बाप तो भी बहुत मिठड़े प्यार करन वाले हन मेरे परमेश्वर परिपूर्ण परमात्मा, आपां उहदे सारे बच्चे हाँ। जी जंत तेरे धारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, आपां सारे बच्चे बन के जदों गुरु पिता परमेश्वर दे अगे बैठांगे ना, ते गुरु पिता परमेश्वर पिता जी बड़ियां बख्शिशां करदे हन उहनां ते। आओ गुरबाणी कीर्तन दे नाल जुड़िए, उपरंत गुर ते आस दे विच सतगुरु जी दे दर्शन करके फिर आपां समाप्ति वल वधीए। कर बाहर तेरा परवासा, तू जन के है संग, तू जन के है संग। कर बाहर तेरा परवासा, तू जन के है संग, तू ज
जन कै है संग कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हर रंग नाम जपो हर रंग कर बाहर तेरा परवासा तू जन कै है संग तू जन कै है संग कर बाहर तेरा परवासा तू जन कै है संग तू जन कै है संग जन को प्रभु अपने कातान जन को प्रभु अपने कातान जो तू करहे करावे स्वामी जो तू करहे करावे स्वामी सामसलत परवान सामसलत परवान कर बाहर तेरा परवासा तू जन कै है संग तू जन कै है संग कर बाहर तेरा परवासा तू जन कै है संग तू जन कै है संग कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हर रंग नाम जपो हर रंग कर बाहर तेरा भरवासा तू जन कै है संग तू जन कै है पत परमेश्वर गत नारायण पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी धन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर चरण शरण नानक दास हर हर संति यह बिद जाती हर संति यह बिद जाती कर बाहर तेरा परवासा तू जन कै है संग तू जन कै है संग कर बाहर तेरा परवासा तू जन कै है संग तू जन कै है संग कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने 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 नाम जपो हर रंग नाम जपो हर रंग कर बाहर तेरा परवासा तू जन
तू जन के है संग, तू जन के है संग, तू जन के है संग। घर बाहर तेरा प्रवासा, तू जन के है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर राम। आपा अपने बच्चों नू धियां पुत्रां नू पढ़ा लिखा के जितनी देर तक उन्हां दी पढ़ाई पूरी नहीं हुंदी आपां हमेशा उन्हां दे नाल रहने हैं। जदों हाई लैवल की पढ़ाई उच्ची सिक्ख्या उन्हां नू लोड़ हुंदी आपां उन्हां नू विदेशों विच भेजदे हाँ, कारोबार वास्ते विदेशों विच भेजदे हाँ। माँ बाप कहिंदे जे असीं ना होईए ते बच्चों की देखभाल कौन करेगा, पर गुरु साहब जी इसे बाणी विच कहिंदे हन श्री सुखमनी साहब दे विच, भाई माँ बाप नूं कदे भुलाना नहीं, जितने भी साल सानू उन्होंने अपने कोल रखिया उन्होंने भुलाना नहीं, पर उन्हां ते उपर भी एक शक्ति है, एक उपकार परमेश्वर ने भी किया है। जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय। जिथे माता पिता नहीं पहुँच सकते उत्थे परमेश्वर माता पिता बन के पहुँच जाते। जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जह महा भयान दूत जम दल, तह केवल नाम संग तेरा चल। जे जमदूत भी आ जाए ना तो फिर गुरु की कृपा हो जमदूतों भी भजा देंगे। किमें भजा देंगे? एक फौजी अपने कैंप में रह रहा सी, नाल उहदे परिवार वाला सारा परिवार, एक उहदी पत्नी ते एक बच्चा, छोटा जिहा बच्चा, नाल साथी भी कहणगे आपां चलदे हां किते दर्शन करन, बहुत दूर यात्रा जाणा। फौजी दे विच बड़ी हलीमी, बड़ा प्यार, गुरु की कृपा बख्शिश दा पात्र सी उह, नितनेमी अते गुरु घर नूं समर्पित, देश कौम नूं समर्पित। कहन लगा हे परमात्मा, सानूं पता है साडियां गड्डियां अलग अलग चलनियां हन, फौजियां दी गड्डी अलग, उहनां दे परिवारां दी गड्डी अलग। फौजी अपनी गड्डी विच सवार, हे गुरु रामदास महाराज जी साडी रख्या करो, बड़ी दूर जाणा है, बहुत दूर दी यात्रा ते साडे नाल अंग संग रख्या करो, किते भी रस्ते च कोई तकलीफ ना आवे। घर बाहर तेरा परवासा, तू जन कै है संग। ज्यों ही चाला पा दिता यात्रा वल नूं, फौजियां दी गड्डी अगे अगे, कुछ गड्डियां फौजियां दे पिछे पिछे, ते विचकार उन्हां दे परिवारां दी गड्डी जिहदे विच उन्हां फौजियां दीआं पत्नियां ते बच्चे। इस फौजी जिसने अरदास कीती सी उहदा बच्चा बड़ा छोटा जिहा सी, गोद चुकिया बच्चा, दुध पींदा बच्चा। इहदी घरवाली ने की कीता, अपने शरीर दे उपर गहना गट्टा सजा लिया, गहने पहन लए, बड़े कीमती गहने सन। बीबियां नूं इह चीज़ का शौक हुंदा है, पर कई बार ये चीज़ां बिपता विच पा देंदियां हन। रस्ते विच जदों फौजी अगे लंघे, काफ़ी दूर का फासला पै गया दोनों गड्डियां दे विचकार, बीबियां दी गड्डी किते रस्ते विच रोक ली लुटेरियां ने, सारियां बीबियां नूं एक पासे कीता, जिहड़ी बीबी ने गहने पाए हुए सन उहनूं थले उतारिया, उतर थले अपने गहने उतार, गहने ला के सानूं दे। उसने गहने दे दिते, सब कुछ दे दिता। फिर कहन लगे जो तेरे कोल पैसा धेला सब कुछ दे, नहीं तो इस बच्चे नूं असीं मार देना, छोटा जिहा बच्चा, दुध चुंघदा बच्चा। हुण सब कुछ उहदे हाथ कुछ नहीं है, कोई चारा कर नहीं सकदी, की कर लवेगी, उन्होंने लड़ नहीं सकती, धक्का मुक्की नहीं कर सकती, की कर सकती है। उसने वास्ता पाया, हे भाई तुसी गहने भी लै ले हैं, पैसा धेला भी लै लिया, पर मेरी जिंद, मेरी जान, मेरा पुत्र मैनू मोड़ दिओ। जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग। पहला अरदास उहदे बच्चे दे पिता ने कीती सी, हे परमात्मा, हे गुरु रामदास जी, रस्ते विच कोई बिपता ना पवे, जे पवे ते तुसी संभाल लिओ। ते हुण बिपता सचमुच पै गई। जह महा भयान दूत जम दलै, वह जिहड़े लुटेरे सन जमदूत बन के आ गए कि जां तां सानूं पैसे दे ते जां तां असीं इस बच्चे नूं मार देणा। अगवा कर लिया बच्चे ने, ज्यों ही उस माँ नूं इक दरख्त दे नाल बन दिता ते उहदे सामने बच्चे नूं मारन लगे, बच्चे नूं गला कुटन लगे, जो भी कुछ करन लगे। तो उस बीबी ने वास्ता पाया, हे परमेश्वर तेरे घर नूं चले हाँ,
ते तू साडी रख्या कर। की पाणा वापरिया उथे एक सप निकलिया उस लुटेरे दे पैर ते डंग मारिया लुटेरा थां तहीं धड़म करदा डिग पिया जहर चढ़ गई खत्म हो दूजा भज गया क्योंकि बच्चे ने रोना चिलाना शुरू कर दिता। दूजा लुटेरा भज गया ते सारियां बीबियां खुश होईयां शुक्र है बंद खलासी हुई शुक्र है भैणे तेरा बच्चा बच गया शुक्र है भैणे साडी सारिआं दी जान बच गई बिपता टल गई गहने लै गए कोई गल नहीं पर जान तां बच गई। इस करके इन्हां चीज़ां नूं महाराज ने कहा कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रुपा कूड़ पहननहार। सोना चांदी झूठी चीज़ां हन असली चीज़ साडे जिंदगी दा शिंगार गुरु दी बाणी ते साडे कोल जिहड़ा इक्को ही इक वाहिगुरु जी ने साडा हक दित्ता कम करन दा उह है अरदास करना। अरदास करिया करो जदों कि बिपता पै जावे ते ए समझना जो कुछ परमात्मा ने दिता है गरीबी दिती है अमीरी दिती है सब परमेश्वर दा है। कोई इत्थे बैठा गरीबी विच गुजारा करदा है उन्हों भी शुकराना करना चाहिए कोई अमीरी विच है उन्हों भी शुकराना करना चाहिए हंकार नहीं करना चाहिए। बाबा कबीर जी कहते हैं कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। हे परमात्मा मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं है सब कुछ तेरा ही दिता है तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। आपां कहीए इन्नी माया भेट कर दी गुरु नूं वस्त्र भेट कर दी गुरु नूं तरह तरह के पकवान भेट कर दी गुरु नूं साडे तां नहीं है वो तां गुरु दे दिते हुए हन साडा की है शरीर भी साडा नहीं है भी गुरु परमेश्वर ने दिता है एक साडी चीज है वो साडे औगण हन आखो सतनाम जिहड़े आपां कमाए है आपां कठे कीते है वो औगणां नूं गुरु दे भेट कर दे। बाबा कबीर जी कहते मेरे विच तां सिर्फ अवगण ही अवगण हन मेरे है अवगण। भाई गुरदास जी कहते मेरे है अवगण तू सुख सागर तू गुणा दा सागर सुखां दा सागर है असी अवगणा दे नाल भरे पए जिहड़ा कोई अपने अवगण भेट कर देवे ते महाराज कहते इत्थे अवगण रख दुख रख अपनी बिपतावां इत्थे रख परेशानी रख ते तैनूं सुख मिलन जाणगे दुख पर हर सुख घर लै जाए। जिहड़ा कोई अपना सब कुछ गुरु नूं भेट कर दिंदा उहदा नाम जुगां जुगांतरां तक रहिंदा है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज रावी दे कंढे ते बैठे हन गुरु चरणां विच ध्यान एकाग्रत करो गुरु नानक पातशाह जी दे दर्शन करो। सतगुरु सच्चे पातशाह रावी दे कंढे ते बैठे ते अपने खेतां दे विच एक जमींदार अते उस दी पत्नी जिवें खेतां विच खूह बनाए हुंदे हन पशु बन्ने हुंदे हन पशु चरदे पए ते उस भाई दी पत्नी ने उस भाई का नाम भाई दोंदा आके महाराज नूं नमस्कार कीती ते बीबी ने की कीता जा करके सुचे भांडे दे विच दुध चोके लैके आंदा ते महाराज जी नूं दुध छकाया। जदों दुध छकाया रावी दे कंढे ते बैठे महाराज जी कहन कि दुध बहुत तुहाडा स्वाद है किहदा है गां दा मझ दा कित्थों लैके आए। कहिंदे जी उह सामने गां खड़ी है जी। सतगुरु जी ने पता तो हुंदा कि गां दा मझ दा सारे नूं पता हुंदा पर महाराज ने उहदे मूँह सुनना सी कहिंदे जी उह मेरी मझ खड़ी है जी सामने। सतगुरु कहिंदे कि मझ किहदी है कहिंदे जी मेरी। सतगुरु कहिण लगे करतार दा जो भी गल करदे सन सत करतार करतार दा शुक्र करतार दा भाणा करतार दा महाराज जी इदां गल करदे सन ते कहिण लगे तेरा नाम कहिंदे जी मेरा नाम दोंदा है ते मेरियां जमीना हन और मेरी हवेली है मझां गावां सारियां मेरियां हन। महाराज कहिंदे करतार दा सब कुछ करदार ते बीबी बड़ी निम्रता दे नाल चरनी टैप पई महाराज करतार ने सब कुछ दिता है अकाल पुरख ने सब कुछ दिता है इस करके सब कुछ करतार दा ही है। भाई दोंदा भी कहन लगा जी नहीं जी मेरा कुछ नहीं है ये करतार दा ही है। सतगुर कहन लगे किन्नी जमीन है दसिया जी बहुत जमीन है दूर दूर तक सारे मेरे खेत हन पर अज तो बाद करतार दे इत्थे तुसी कृपा करो महाराज चरण पाए हन नगर वसाओ करतार दा। आखो सतनाम श्री वाहे करतार दा नगर वसाओ तुसी चरण पाए ये सारा जमीन जायदाद सारी हवेली चाहो तो सारे पशु भी तुसी रख लो मेरे नहीं ये करतार दे हन। महाराज बड़े प्रसन्न हो बहुत प्रसन्न हो कहन लगे सानू सिर्फ ते सिर्फ जमीन चाहिए एक धर्मशाल वास्ते रब दी गल उत्थे होवेगी दो टाइम उत्थे सत संगत होया करेगी संगतां करके जुड़िया करनगियां सानू बाकी जमीन नहीं चाहीदी।
कुछ क जमीन का हिस्सा भाई दोंदे ने भेट किया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बड़ी बख्शिश की भाई दोंदे ते कहन लगे तेरिया कुलां तेरे धिया पुत्र दूर दूर तक जिथे तेरा नाता होगा सारिया कुलां नू सारे परिवारों नू बख्शिशा अकाल दियां बख्शिशा करतार दियां करतार दे घरों तेनों रहमतां जो भी तू चाहेगा तेरिया मन मुरादा पूरियां होणगियां। तू करतार नू भेट किया सब कुछ उस धरती ते सतगुरु सच्चे पातशाह नगर बसाया श्री करतारपुर साहिब आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जिहड़ा हुण पाकिस्तान दे विच है। जदों आपां गुरु नू सब कुछ भेट कर दिंदे आ ना महाराज ने रखना तो सब कुछ है नहीं सानू दे दिंदा मोड़ के पर गुरु बख्शिशा दुगणियां चुगणियां करके मोड़दा है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा साहिब जी कृपा करन बख्शिश करन मेहरमत करन। आओ एक शब्द आपां गुरु साहिब दे चरणां च जुड़ करके हाजरी लवानी है। जां की प्रीत गोबिंद सिउं लागी दुख दर्द भ्रम तां का पाकी। एक शब्द गायन करके सारी संगत ने नाल जपन की कृपालता करनी जी उपरंत आनंद साहिब दा जाप। जां की प्रीत गोबिंद सिउं लागी जां की प्रीत गोबिंद सिउं जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे दुख दर्द प्रम ताका भागे गोबिंद स्यों लागे जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे। जाका मीत साजन है समिया तिस जन को कहो काकी कमिया जाका मीत साजन है समिया तिस जन को जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे दुख दर्द प्रम ताका भागे दुख दर्द प्रम ताका भागे जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे। जाको रस हर रस है आयो सो वन रस नाही लपटायो जाको रस हर रस है आयो सो वन रस नाही लपटायो प्रीत गोबिंद स्यों लागे जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे दुख दर्द प्रम ताका भागे दुख दर्द प्रम ताका भागे जाकी प्रीत गोबिंद स्यों
प्रीत गोबिंद स्यों लागे। जाका कहिया दर कह चले, सो किसको नदर ले आवे तले। जाका कहिया दर कह चले, सो किसको नदर ले प्रीत गोबिंद स्यों लागे। जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे। जाका सब किछ ताका होए, नानक ताको सदा सुख होए। जाका सब किछ ताका होए, ताका होए ताका होए ताका होए ताका होए। जाका सब किछ ताका होए, नानक ताको प्रीत गोबिंद स्यों लागे। जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे, दुख दर्द भ्रम ताका भागे, दुख दर्द भ्रम ताका भागे। जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे, जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे। जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागे। साहब जी कृपा करन, बख्शिश करन, मेहरामत करन। जो भी बाणी पढ़ी गई, बाणी सुनी गई, सारी बाणी का भाव अर्थ समूह संगतां नूं सेवक परिवार नूं बख्शिश करन जी। साहब जी कृपा करके सारे की हाजरी ने दर ते प्रवान करन। विदेश तो सारा परिवार चल करके साहब जी के चरणों में जुड़िया है सरदार दर्शन सिंह अते उन्हां दे भरा सरदार प्रगट सिंह, समूह सोहता परिवार अते भंगू परिवार सारे वालों बच्चों की तंदुरुस्ती वास्ते, चढ़दी कला वास्ते साहब जी का उटासरा लिया। महाराज कृपा करन, घर बाहर तेरा प्रवासा, तू जन कह सन घर दे विच बाहर, इस देश विच बाहरले देश विच सतगुरु जी अंग संग चढ़दी कला बख्शिश करन जी। पठानकोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, सारी संगत का धन्यवाद जिन्हां ने बड़े प्यार दे नाल बैठ करके एकाग्रता दे नाल कीर्तन सरवण किया। सेवक परिवार का धन्यवाद जिन्हां ने सेवा का मौका बख्शिश किया। मेरे वड्डे भाई साहब जी, भाई साहब सुखवंत सिंह जी खालसा जी, जिन्हां ने आप संगतां दर्शन कराए हैं ते सानू दर्शन कराते रहते हैं कई सालों तो, बहुत प्यार बख्शिश किया इन्हां ने सानू, अपने भरावां दे वांगू सानू प्यार बख्शिश करते हैं। साउंड वाले वीर का धन्यवाद जिन्हां ने सेवा निभाई है। सतगुर तरक्कियां बख्शिश करन, चढ़दी कला बख्शिश करन जी। आ हुण समाप्ति का सलोक पढ़ के उपरंत अरदास शामिल होवो जी। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तखत, सिर शाह पातशाह
निचल चौर छत बौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबार रंग निक जपन कर्तवा जिया अंदर जियो सब जानदा सब कुछ तेरे बस तेरे करपला तेरे कारण वधाई तुद कार मान महता दे जा अपने आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जगता नानक दासन दास दया के बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खिले सकल जगत चंगियां बुरियां वच धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।